दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम घर पे तैयार करेंगे बाजार जैसी बादाम और पिस्ता कतरन। कई बार हमें बाजार में नहीं मिल पाती है और पिस्ता में मिलावट भी होती है, तो इसलिए आज हम घर पे बादाम और पिस्ता की कतरन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये 50 ग्राम पिस्ता लिया है और 50 ग्राम बादाम है। हम सबसे पहले पिस्ता काट के देखते हैं। आपके पास चिप्स करने की मशीन जैसे हमारे पास है तो या तो हम उससे कर सकते हैं या हम चाकू से भी बारीक बारीक स्लाइस कर सकते हैं। तो हम पिस्ता को इस तरह से काटेंगे। ये पिस्ता हमारा बीच से टूट रहा है, इसका मतलब पिस्ते में ड्राई है पिस्ता हमारा। हल्की सी अगर पिस्ता में नमी होती तो और आसानी से कटते ये। तो इसके लिए हम पिस्ता को 10 मिनट के लिए एक गीले कपड़े में बांध करके भिगो के रख देंगे। उससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इन्हें काटेंगे। एक साफ़ कपड़ा ले लेंगे, उसे हमने भिगो लिया है, और ये पिस्ता हम इसमें डाल के और लपेट के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारे पिस्ता 10 मिनट के लिए भीगते हैं, हम बादाम की कतरन कर लेते हैं। बादाम भी हमने एकदम फ्रेश पैकेट खोल के लिए है, इनमें भी हल्की सी नमी है। अगर बादाम भी बिल्कुल सूखे हुए हों एकदम ड्राई तो वो ढंग से नहीं कटते हैं, तो बादाम में हल्की सी नमी होनी चाहिए। और अब हम इन्हें काटेंगे। चिप्स के मेकर से हमें बादाम काटते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सावधानी से काटें, आपका हाथ ना कट जाए। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बादाम की कतरन बन करके तैयार हुई है, एकदम बाजार जैसी पतली पतली। इस तरह से हम सारे बादाम को काट लेंगे। सारे बादाम को हमने काट लिया है एकदम फाइन, और अब हम इन्हें कटोरी में निकाल के रख देंगे और फिर हम पिस्ता काटेंगे। पता या तो हम गीले कपड़े में बांध करके 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं, या इस तरह से पानी में सोक करके 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। और अब हम इनका पानी निकाल लेंगे और इन्हें भी हम ऐसे ही बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम पिस्ता को इसी तरह से जैसे हमने बादाम काटे थे इसी तरह से हम धीरे धीरे इन्हें काट लेंगे। इस तरह से हम सारे पिस्ता को काट लेंगे। भिगोने से पिस्ता पे जो ये छिलका होता है, जो छिलका हमसे उतर रहा हो उस छिलके को हम काटते समय उतार लेंगे इस तरह से, और फिर काट लेंगे। काटते समय ये गीले होने की वजह से आसानी से छिलका इसका हट जाता है, तो ये और अच्छे दिखेंगे। ये हमने सारा पिस्ता काट लिया है, बहुत अच्छे पिस्ता एकदम बारीक बारीक कटे हैं ये, और हमने भिगो दिए, उस वजह से ये जो छिलके हैं, जितने छिलके निकले वो छिलके हमने निकाल दिए। थोड़े बहुत अगर रह जाते हैं तो रह भी जाते हैं, ये छिलके हमने निकाल दिए। अगर कोई ख़राब पिस्ता होगा तो वो भी हट जाएगा भिगोने से, तो ये हमने हटा लिए हैं। और आप चाहे तो इन्हें बिना कलर के इसी तरह किसी भी सभी मिठाइयों में ऊपर से पिस्ता अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और काट करके तैयार हम आराम से इन्हें रख सकते हैं। तो अब हम इन्हें बाजार जैसा, जैसा मैंने बोला कि हमें इन्हें बाजार जैसा बनाना है, उसके लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर, हम 1 पिंच कलर डालेंगे। इस कटोरे में हम 1 पिंच ग्रीन कलर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब ये जो पिस्ता हमने काटा है इसे हम इसमें डाल के और 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि इन पे अच्छे से कलर चढ़ जाए। पिस्ता को भिगोए हुए हमें 3 घंटे हो गए हैं, और ये देखिए इन पे अच्छे से कलर हो गया। अब हम इन्हें छलनी में निकाल देंगे, इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल करके, इनका हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और एक छलनी पे हमने इन्हें निकाल लिया है। और अब हम इन्हें 5-7 मिनट छलनी में ही रखे रहने देंगे, उसके बाद में हम इन्हें फैला करके और सुखा लेंगे। इनका हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया और अब हम इन्हें परात में अच्छे से हल्के हाथ से फैला करके, और इन्हें हम बिल्कुल सूखने तक, चाहे तो धूप में
या फिर पंखे की हवा में सुखा लेंगे, धूप में सुखाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जितना भी इसमें टाइम लगेगा सूखने में 8-10 घंटे, हम इन्हें अच्छे से सुखा लेंगे। हमारा पिस्ता सूख करके तैयार हो गया है, ये देखिए एकदम बिल्कुल ये सूख गया है, और अब हम इसे डब्बे में भर के रख लेंगे। दोस्तों, ये हमारी पिस्ता और बादाम की मार्केट जैसी एकदम पतली और बहुत अच्छी बादाम और पिस्ता की कतरन बनकर के तैयार हो गई है। पिस्ता को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डब्बे में भर के रखिए, और अगर आप इन्हें फ्रीज़र में फ्रिज में रखते हैं तो ये आराम से 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होती हैं। आप मिठाइयों पे लगाइए, दीपावली के टाइम पे हम तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं तो उन पर हम पिस्ता बादाम की कतरन लगाते हैं तो बहुत अच्छी दिखती है। तो आप ये बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।